हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनील गुप्ता ऑल एम एस का। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका। तो मैथमेटिक्स 1 के बच्चों का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, हमें अपनी प्रिपरेशन पहले से तैयारी करके कर सके। इसी डिमांड पर ये वीडियो को लेक्चर बनाया गया, क्योंकि अभी तक मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पर 2 वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के बारे में बात की हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी पहले देख चुके हैं, अभी तक आपने कंजूसी दिखाई हुई है सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने में, तो पहले उसको बेल को आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। आपके मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 कौन सी है, इसका टॉपिक कौन कौन से होंगे और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास होंगे, साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि अगर आप ये वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं जिसमें आपको कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज होगा और कौन कौन से टॉपिक का कितना वेटेज होगा, तो उसका लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि 2023 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आने की संभावना है। तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर, जिसका नाम है सीक्वेंस सीरीज, जिसमें कुछ टॉपिक हमारे पास इस प्रकार से हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है फुल रेंज फोर ईयर सीरीज विद पीरियड 2L, हाफ रेंज फोर ईयर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज, ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हमारे पास होते हैं, ज्योमेट्रिक टेस्ट, पीसी टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, डीएलएमबर्ट रेशो टेस्ट और रविज टेस्ट, इन टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। साथ में डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रकार का मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे अपना क्वेश्चन टाइप कीजिएगा, विद इन 24 आवर आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथ में अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने के लिए उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस बात की मैं आपको एश्योर देता हूं कि अगर आप ये वीडियो बिना स्किप करे अगर देखते हैं और इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो या तो यही कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे या आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे जो कि अभी आपने सॉल्व नहीं किए। तो क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा और वीडियो देखते समय ईयरफोन का बेसिकली यूज करिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। तो फर्स्ट हम बात करें फुल रेंज फोर ईयर सीरीज, जिसका पीरियड हमारा 12 होता है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। सबसे पहले आपको तैयार करना चाहिए डिफाइन द फोर ईयर सीरीज विद एग्जांपल, किस प्रकार से फोर ईयर सीरीज की डेफिनेशन दी जाती है और इसका एग्जांपल क्या होगा, देन डिफाइन द डिरिचलेट कंडीशन ऑफ फोर ईयर सीरीज, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए फोर ईयर सीरीज के जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कुछ रिडक्शन वहां पर पूछा जाता है, वो रिडक्शन आपको निकालना आना चाहिए। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है f(x)(-π)(π)(π)2 1/1² - 1/2² + 1/3². देखिए, एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यदि कभी भी आपको अगर इस टाइप का रिजल्ट निकालो, कहा जाते हैं पाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1/1² - 1/2² + 1/3² एक रिजल्ट हमारा बेसिकली ये होता है। दूसरा रिजल्ट हमारा होता है दिस इज द पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू दिस इज 6 1/1² - 1/2² + 1/3². इसी के अलावा हमारे पास एक रिजल्ट और होता है जिसे पाई स्क्वायर बाय 8 1/1² - 1/3² + 1/5². अब होगा क्या कि चाहे आपका फंक्शन कोई भी हो, चाहे कोई भी फंक्शन आपका कोई भी इंटरवल दिया हो, अगर आपको पाई स्क्वायर बाय 8 प्रूव करने को कहा है तो वो 1/1² + 1/3² + 1/5² ही होगा। अगर पाई स्क्वायर बाय 6 बोला है तो 1/1² + 1/2² + 1/3² ही होगा। इसी प्रकार अगर पाई स्क्वायर बाय 12 बोला है तो 1/1² - 1/2² + 1/3² - 1/4² ही होगा। तो ये जो सीरीज होती है, इन पर्टिकुलर सीरीज को नाम बोला जाता है लॉरेंट सीरीज। तो इन सीरीज को हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सीरीज कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे फंक्शन किसी भी प्रकार का चेंज क्यों ना हो जाए, इंटरवल कुछ भी आपके पास क्यों ना आ जाए। और जब भी अगर हमें इन सीरीज की वैल्यू को निकालना होता है तो हमेशा हम वहां पर डिरिचलेट कंडीशन का यूज करते हैं। डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है, किस प्रकार से अप्लाई की जाती है फोरियर सीरीज में,
उन सभी के वीडियो लेक्चर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इन सभी क्वेश्चन की लिंक मैंने आपको वीडियो लेक्चर में दे रखी है। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो, देन एक्स से जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, और आपको प्रूव करना है पाई स्क्वायर बाय एट। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका है पाई प्लस एक्स माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो, देन पाई माइनस एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, और आपको प्रूव करना है पाई स्क्वायर बाय एट इक्वल टू दिस मच। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई, आपको पाई स्क्वायर बाय एट प्रूव करना है। ध्यान रखिएगा जब भी अगर मोड वाला कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो मोड को हम कुछ ब्रेक इस हिसाब से करते हैं। दिस इज अ माइनस एक्स माइनस पाई इज लेस देन एक्स लेस देन जीरो, देन जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, देन प्लस एक्स, देन जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन पाई। हो सकता है किसी क्वेश्चन में माइनस पाई से प्लस पाई आ जाए, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि माइनस एल से प्लस एल आ जाए, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको माइनस टू से प्लस टू दे दे, तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही रहेगा, एक ही प्रकार से सॉल्व करना है, बस एल की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर एट आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टू। देन क्वेश्चन नंबर नाइन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू द पावर एक्स माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो इन नाइन क्वेश्चन को आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिएगा तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे हैं? तो पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द हाफ रेंज साइन सीरीज, फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर टू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो से पाई में इंटरवल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन। क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है वन अपॉन फोर माइनस एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन बाय टू, देन एक्स माइनस थ्री बाय फोर वन बाय टू एक्स लेस देन वन। और क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय टू, पाई माइनस एक्स पाई बाय टू लेस देन एक्स लेस देन पाई। आप क्या कीजिएगा, जो भी मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ एक आप कॉपी बनाइएगा जिसमें आप इन क्वेश्चन को आप एक जगह सॉल्व करके रख लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि भाई आप हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से बनेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो मैंने वीडियो लेक्चर में इस बात की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखो। तो वीडियो जो इससे रिलेटिव है, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं उन सभी को मैंने आपको अच्छे से बताया गया, जिसमें लेक्चर नंबर वन जो फोर ईयर सीरीज का है उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वही एक वीडियो लेक्चर ऐसा है जिसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरीके से क्लियर होते हैं। और दूसरा, बिना ईयरफोन के आप इसको मत देखिएगा, ईयरफोन लगाइएगा तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है, डिफाइन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आपको करना है। देन उसका हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में कौन कौन सी निकाली जा सकती है? क्वेश्चन है हमारा एफ ओ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन एल जीरो लेस देन एक्स लेस देन एल। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखना, चाहे हमारी हाफ रेंज साइन सीरीज हो चाहे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हो, इन सभी की खास बात ये होती है कि आपकी जो जो इंटरवल की जो रेंज जो होती है वो जीरो टू एल ही होती है, ये बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखिएगा। जबकि फुल रेंज में हमारे पास जो रेंज होती है वो जीरो टू टू एल भी हो सकती है, वो माइनस एल से प्लस एल भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय टू, पाई माइनस एक्स पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू लेस देन एक्स लेस देन पाई। क्वेश्चन नंबर फोर है एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय टू, पाई माइनस एक्स पाई बाय टू लेस देन एक्स कोश एक्स लेस देन पाई। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर का ज्योमेट्री टेस्ट होता है, लेवनी टेस्ट होता है, फिर उसके बाद पीसी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका कंपेरिजन टेस्ट होता है आपका जो, उसके बाद आपका डीएलएम टेस्ट टेस्ट होता है, तो उसके बाद रायबीज टेस्ट होता है, उसके बाद कॉशी रूट इंटीग्रल फॉर्मूला टेस्ट होता है। कुल मिलाकर 14 टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं वो ये छह और सात टेस्ट पे ही दिए हुए हैं, तो जनरली आप उनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में जो भी आपका शब्द लिखा आएगा वो केवल एक ही शब्द लिखा आएगा, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। आपको इसी की हेल्प से आपको पता लगाना है कि आपको जो सीरीज दी हुई है वो किस टेस्ट में मूव करती है, कितने कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया, और उन सभी लेक्चर्स की लिंक आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगी। ध्यान से देख लीजिएगा, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जिसके पहला क्वेश्चन हमारा है समेशन यूएन इक्वल टू वन प्लस वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट टू क्यूब प्लस डैश डैश। जैसे ये क्वेश्चन जो है हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटिव है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है वन प्लस वन अपॉइंट टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अपॉन थ्री क्यूब, थ्री क्यूब अपॉन फोर क्यूब, फोर टू दी पावर फोर अपॉन फाइव टू दी पावर फाइव। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस टेस्ट में जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर थ्री है वन अपॉइंट वन डॉट टू डॉट थ्री, थ्री अपॉन टू डॉट थ्री डॉट फोर प्लस फाइव अपॉन थ्री डॉट फोर पॉइंट एट। और कई बार क्वेश्चन में कि हमें nth टर्म भी दे देते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास वहां पर और ज्यादा आसान हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर फाइव है अंडर रूट वन अपॉन टू क्यूब प्लस अंडर रूट टू अपॉन थ्री क्यूब प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन फोर क्यूब प्लस अंडर रूट फोर अपॉन फाइव क्यूब। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है एक्स अपॉन वन डॉट टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू डॉट थ्री एक्स क्यू अपॉन थ्री डॉट फोर एक्स टू दावर फोर अपॉन फोर डॉट फोर डॉट फाइव, यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर एट है, देन क्वेश्चन नंबर नाइन में लिखा हुआ है x प्लस थ्री अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर एट अपॉन टेन एक्स क्यू फिफ्टीन अपॉन सेवनटीन एक्स टू दी पावर फोर। देन हमें क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी हमें nth टर्म दे रखी है। देन क्वेश्चन नंबर टेन हमारा है x अपॉन वन डॉट टू, देखिए डॉट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट नहीं कर रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे इसको वन इंटू टू, क्या बोला जाएगा इसको वन इंटू टू है ना, ये वन इंटू टू लिखा है, थ्री इंटू फोर लिखा हुआ है, फाइव इंटू सिक्स लिखा है, सेवन इंटू एट लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कौन जो कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन याद करें, जब बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको बाउंडेड अबव और बाउंडेड लो की डेफिनेशन भी याद साथ में करनी पड़ेगी। देन कन्वर्जन और डाइवर्जन सीक्वेंस क्या होती है साथ में सीरीज के में डेफिनेशन साथ में याद करिएगा, सीक्वेंस दोनों को आप याद रखिएगा। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, डीएलएमबर रेशियो टेस्ट क्या होता है, पीसीडी टेस्ट क्या होता है, इनको आप याद कर सकते हैं। जैसा टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज क्या होती है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन की किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनको आप अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो मैं इस बात की आपको एश्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको एक्सीलेंट मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप मेरे क्वेश्चन अगर इन सभी के सोल्यूशन चाहते हैं ऐसे नोट्स की फॉर्म में तो आप मेरी बुक को रेफर कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, हो सकता है ये बुक आपको अपनी लाइब्रेरी के अंदर मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो आप धनपत राय पब्लिकेशन कंपनी से इसको परचेज भी कर सकते हैं। इवन अगर आप मेरे ब्लॉगर पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारे ई नोट्स वगैरह मिल जाएंगे इस रिलेटेड जो है www.sonendgupta.blogspot.com पर, जहां पे इन सभी के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इवन आपको वहां पे प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीबी के फुल लेंथ सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो उन सॉल्यूशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ वो सारी यहाँ पर है। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, शेयर कर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुरेंद्र।